हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये आपके पास नेटवर्क कम्बेट क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, आपके पास इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पूरे के पूरे वीडियो को। इफ 10 एम्पियर आइडियल करंट सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द लॉसी कैपेसिटर विद आर इक्वल टू 1 ओम एंड सी इक्वल टू 1 फैरेड। जैसे मैं लॉसी कैपेसिटर बोला तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एक लॉसी कैपेसिटर क्या होता है, एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता है। जैसे एक लॉसी इंडक्टर क्या होता है, प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है। लॉसी इंडक्टर जो होता है उसको कॉइल बोलते हैं, एक सीरीज आरएल नेटवर्क को। तो जब भी मैं एक लॉसी इंडक्टर बोलता हूं, इसका मतलब सीरीज आरएल नेटवर्क, द आर एंड एल इज द लॉसी इंडक्टर, क्योंकि प्रैक्टिकल इंडक्टर है। ये जो फिगर है, ये एक प्रैक्टिकल इंडक्टर है, प्रैक्टिकल एक कॉइल है, प्रैक्टिकल इंडक्टर और लॉसी इंडक्टर। लॉसी इंडक्टर क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट वगैरह पढ़ते समय भी। सिमिलरली जब मैं एक लॉसी कैपेसिटर बोलता हूँ या प्रैक्टिकल कैपेसिटर बोलता हूँ, तो मेरे को पता रहना चाहिए ये आर है और ये सी है, इज द आर सी, इज द पैरेलल आर सी नेटवर्क। ये एक सीरीज आर एल नेटवर्क है, एक सीरीज आर एल नेटवर्क फॉर्म करता है, ये सीरीज आर एल नेटवर्क फॉर्म करता है एक प्रैक्टिकल इंडक्टर। ये जो है आपके पास ये R और C है, इसको बोलते हैं लॉसी कैपेसिटर। ये पहला चीज तो पता होना चाहिए था आपको कि लॉसी कैपेसिटर या प्रैक्टिकल कैपेसिटर, लॉसी कैपेसिटर, प्रैक्टिकल कैपेसिटर अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब पैरेलल आरसी नेटवर्क, पैरेलल आरसी नेटवर्क। तो दो नेटवर्क के बारे में किसी को भी पता होना चाहिए कि पैरेलल आरसी नेटवर्क मतलब लॉसी कैपेसिटर और पैरेलल सीरीज आरएल नेटवर्क मतलब लॉसी इंडक्टर या प्रैक्टिकल इंडक्टर। अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको बोला था कि एक आइडियल करंट सोर्स अप्लाई करो इसके अक्रॉस में 10 एम्पीयर का। तो ये तो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन हो गया, 10 एम्पीयर एक आपके पास करंट सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आरसी नेटवर्क है, इसका वोल्टेज अगर मैं मान लेता हूं कि वीसीटी है, कैपेसिटर वोल्टेज वीसीटी, ठीक है। ये आर की वैल्यू 1 ओम था, यस। सी की वैल्यू 1 फैरेड था, ये भी क्लियर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक आइडियल करंट सोर्स 10 एम्पीयर का लगा दिया पैरेलल आरसी नेटवर्क में और मेरे को वीसीटी की वैल्यू निकालना है, किसके लिए निकालना है, कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट कैपेसिटर वोल्टेज वीसी इनफाइनाइट प्लस वीसी जीरो प्लस माइनस वीसी इनफाइनाइट ई रेस पावर माइनस टी अपॉन टाउ फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे हम 10 एम्पीयर के करंट सोर्स लगा रहे हैं। ये होता है ट्रांजिएंट का इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क। ये जो इक्वेशन होता है ट्रांजिएंट का, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क के लिए वैलिड होता है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, ओनली वन स्टोरिंग एलिमेंट। और अगर कोई स्टोरिंग एलिमेंट एक से ज्यादा है तो ये तो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, तो पैरेलल में, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क के लिए वैलिड इक्वेशन है, ओके। इसमें से अगर मैं बोलूं कि वीसी जीरो प्लस क्या होता है, इनिशियल वोल्टेज, तो ये एक लॉसी कैपेसिटर, इसके बारे में कोई इनिशियल वोल्टेज तो दिया नहीं है, ना कोई स्विच लगा हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका इनिशियल वोल्टेज होगा वो जीरो वोल्ट होगा। तो वीसी जीरो माइनस इक्वल टू वीसी जीरो प्लस इक्वल टू जीरो वोल्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो इनिशियल वोल्टेज जीरो वोल्ट होगा, क्लियर। जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो अनएनर्जाइज या अनचार्ज कैपेसिटर हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। वन बाई वन अगर मैं बात करूं तो देखो वीसी जीरो प्लस की वैल्यू जीरो हो गया, ओके। अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ टाउ, तो टाउ इक्वल टू होता है आर थेवनिन इंटू सी। तो अगर आप बोलोगे कि आर थेवनिन क्या होगा, तो आर थेवनिन की वैल्यू जब मैं निकालूंगा सी के सामने खड़े होकर, सी की जगह से करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से इस सी की जगह से अगर मैं फाइंड आउट करूंगा कि आर कितना होगा, आर टी एच कितना होगा, भाई करंट सोर्स को ओपन कर दो। जब भी आप आर थेवनिन की बात करते हो, इंडिपेंडेंट सोर्स विल बी रिमूव, तो आर आ जाएगा। तो आर थेवनिन की वैल्यू आर है, आर थेवनिन की वैल्यू क्या है, आर है, तो आर टी एच की वैल्यू आर है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आर सी हो गया। R की वैल्यू 1 ओम था, C की वैल्यू 1 फेरेड था, टाइम कांस्टेंट इज 1 सेकंड, टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है। वैसे भी आप इसको देखोगे ना तो सोर्स आरसी नेटवर्क है, ये जो है आपके पास सोर्स आरसी नेटवर्क है। और अगर सोर्स आरसी नेटवर्क है तो सोर्स आरसी नेटवर्क का मतलब होता है चार्जिंग नेटवर्क। क्या होता है, चार्जिंग नेटवर्क, चार्जिंग नेटवर्क, एक इनर्जाइज्ड आपके पास नेटवर्क है, कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्जिंग नेटवर्क, और कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसी होता है। स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वीसी इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जब भी एक सोर्स आरसी नेटवर्क होता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली अपन, अब अगर मैं बोलूं कि बताओ वीसी इनफाइनाइट क्या होगा, तो स्टडी स्टेट पे अगर मैं बोलूं कि वीसी इनफाइनाइट क्या होगा, तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किटेड हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो चार्ज होते रहेगा आपके पास, और कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और कैपेसिटर करंट अगर आप निकालने जाओगे स्टडी स्टेट पे तो क्या होगा, कैपेसिटर करंट सी डी वीसी बाई डी टी, सी डी वी सी बाई डी टी, और वी सी इनफाइनाइट जो है वो तो मैक्सिमा है, किसी भी नंबर को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो जीरो आ जाता है, और किसी करंट का जीरो होने का मतलब होता है ओपन सर्किट होना, इसलिए आप बोलते हो कि कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा। अब कैपेसिटर अगर ओपन सर्किट हो गया तो देखो फिगर कैसे बनेगा, ये 10 एम्पियर, ध्यान देखना, ये 10 एम्पियर, ये आर 1 ओम का, आर 1 ओम,
कैपेसिटर स्टडी स्टेट पे ओपन हो गया, ये वी सी इनफाइनाइट, कैपेसिटर में करंट जीरो होगा, ये वी सी इनफाइनाइट, यहाँ पे करंट जीरो होगा, तो पूरा 10 एम्पियर रेजिस्टेंस से फ्लो होगा और ये वोल्टेज वी सी इनफाइनाइट होगा, तो 10 इंटू 1, तो वी सी इनफाइनाइट की वैल्यू 10 वोल्ट है। ये फिगर किस पे बना हुआ है? ये फिगर जो बना है ये टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे बना है, कैपेसिटर ओपन सर्किटेड हो गया, स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव ऐसे ओपन सर्किट। तो ये बहुत लोगों को पता होता है कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, बट आपको ये बताते आना चाहिए कि व्हाई दिस कैपेसिटर बिहेव ऐसे ओपन सर्किट एट स्टडी स्टेट, ये चीज को नहीं भूलना आपने को। अब ओवरऑल कई बार ऐसा होता है कि हम ना स्टोरी भूल जाते हैं, हमको कोई बोले कि इंडक्टर शॉर्ट क्यों होता है स्टडी स्टेट पे, पता नहीं सर वो होता तो है, कैपेसिटर स्टडी स्टेट पे ओपन क्यों होता है, तो कई बार हम अपना रीजनिंग नहीं रहती, तो रीजनिंग कभी भी नहीं जाना चाहिए। स्टडी स्टेट पे करंट निकालोगे तो सी डी वी सी बाई डी टी होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क है, किसी मैक्सिमम वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए करंट जीरो, और करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट। ओके ठीक है चलो, अब वीसी इनफाइनाइट की वैल्यू देखो 10 वोल्ट आ गया, वीसी इनफाइनाइट की वैल्यू कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे इक्वेशन लिखना है कि वी सी टी का इक्वेशन क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू 10 है, दो बार फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जीरो, कॉमन ले लेता हूँ 10 को, 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी, और टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 है, ये आ गया 10 इंटू 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी। पता आपके पास फिगर कैसे होगा, कैपेसिटर वोल्टेज का फिगर ऐसे होता है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बात करते जा रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन मेरे पास मौका मिला है, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना ही मौका है ना आपको एक्सप्लेन करने का, तो मौका मिला है तो बात कर लेते हैं अपन, जितना हो सकता है उतना आपके लिए। तो ये वीसीटी है, देखो ये चार्जिंग है, पहले बोल चुका था कि सोर्स आरसी नेटवर्क है, चार्जिंग नेटवर्क होगा, कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और फाइनली 10 वोल्ट पे जाके चला गया। अब ये कैपेसिटर वोल्टेज है, अब अगर मैं किसी से बोलूं कि कैपेसिटर वोल्टेज इतना है, कैपेसिटर वोल्टेज इतना है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना होगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना होगा, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना चार्ज होगा, कितना वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस ई रेस पर माइनस 1, तो 10 1 माइनस 0.0368 ई रेस पर माइनस 1, सबको पता होना चाहिए 0.368, और अगर 10 0.632, ये इसका मतलब हो गया 6.32 वोल्ट आ गया, आया वीसीटी की वैल्यू 0.6.32 वोल्ट, ये वीसीटी की वैल्यू आ गया टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो कैपेसिटर इतना वोल्टेज तक जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है चार्ज की बात कर रहे थे, अब हमको पता है कि लॉसी कैपेसिटर है, तो जो चार्ज होगा वो तो कैपेसिटर में स्टोर होगा, कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर डिवाइस होता है, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वीसी होता है, या क्यू ऑफ टी प्रोपोर्शनल टू वीसीटी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है, तो क्यू ऑफ टी इक्वल टू सी वीसीटी। तो चार्ज की वैल्यू कितना होगा टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो सी VCT इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो कुछ नहीं है, C की वैल्यू 1 फैरेड का मल्टीप्लाई करना है, और VCT की वैल्यू कितना है 6.32, तो जब आप फैरेड और वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुलाम हो जाता है, तो 6.232 कुलाम, इतना आपके पास चार्ज आएगा। तो जब आप बोलते हो कि कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया, तो अगर आपको कुलाम के फॉर्म में बोलना है तो 6.32 कुलाम चार्ज हो गया, और वोल्टेज के फॉर्म में बोलना है तो 6.3 वोल्ट हो गया, बिकॉज कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड है, अगर ये 2 फैरेड होता तो अपन डबल लिख देते, सी की वैल्यू जानबूझ के मैं 1 फैरेड लिया हूं, तो कितना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, क्योंकि चार्ज स्टोर डिवाइस है, कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक हो सकता है 10 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है। तो जब भी आप बोलते हो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो आपका पार्ट है कि आप उसको चार्ज के फॉर्म कुलाम के फॉर्म में बोलना चाहते हो कि वोल्ट के फॉर्म में बोलना चाहते हो, सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यान से देखना होगा। अगर मैं से कोई कैपेसिटर वोल्टेज बोलता है कि कितना होगा चार्ज होकर कैपेसिटर जो होगा उसका वोल्टेज कितना होगा, कितना तक चार्ज होगा, वो ड्यू टू 10 एम्पीयर करंट सोर्स है टी इक्वल टू 1 सेकंड, तो मैं बोलता 6.32 वोल्ट तक चार्ज होगा। अगर मैं से कोई बोलता है कितने कुलाम तक, कुलाम की बात कर रहे हैं, कितना चार्ज स्टोरेज हुआ, तो हम बोलेंगे कि 6.32 कुलाम इतना हुआ आपके पास, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी सी टी है, तो जैसा फिगर कैपेसिटर वोल्टेज का है वैसा ही फिगर चार्ज का फिगर हो जाएगा, ये चार्ज का फिगर हो गया सेम फिगर, क्योंकि Q की वैल्यू तो सी डी वी सी डी टी, और अगर मैं बोलूं कि C 1 फैरेड का मल्टीप्लाई हुआ तो ये सेम फिगर, बस डिफरेंस ये है कि ये 10 जो होगा वोल्ट नहीं कुलाम होगा, और ये जीरो कुलाम था, जीरो से स्टार्ट हुआ, बस इतना ही है। तो चार्ज क्यू वी प्लेन होता है, आपको पता है ये जब आप क्यू वी प्लेन बनाते हैं बेसिक क्यू वी, ये इसका जो स्लोप होता है आपके पास वो सी होता है, सी की वैल्यू 1 दिया था, ये स्लोप सी है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, ये क्यू वी प्लेन है, इसका स्लोप सी होता है, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी सी डी, चार्ज हमेशा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, जितना वोल्टेज होगा उतना ही चार्ज प्रोपोर्शनल होगा। तो जस्ट ये गुड कंसेप्ट था, मैं इसलिए चार्ज बोला जानबूझ के इस क्वेश्चन में, कि द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड चार्ज ऑफ लॉसी कैपेसिटर, तो जो सी होगा उसमें कितना वैल्यू स्टोर्ड होगा, तो हमको पता है कि एक सोर्स आरसी नेटवर्क है, तो कैपेसिटर स्टोरेज चार्ज स्टोरेज डिवाइस वैसे भी होता है, तो चार्ज को स्टोर करते जा रहे हैं। ओके कितना करेगा टी इक्वल टू 1 सेकंड में, जानबूझ के 1 सेकंड पूछा, दैट मीन्स टाइम कॉन्स्टेंट पे पूछा, तो 6.32
कुलाम, तो जितने लोग भी 6.32 कुलाम बोले उनका सही आंसर हो गया। तो जस्ट आपके पास ऐसा गुड आइडिया होना चाहिए, मतलब मेरी तो ड्यूटी बनती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ। हाँ, बट आप ध्यान रखना कि कम्बेट के सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में हूँ, बहुत आराम से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। कम्बेट में मैं चाहता हूँ कि कम्बेट में वो लोग इन्वॉल्व हो जो उस टॉपिक को थोड़ा जानते थे, थोड़ा भी जानते थे तो समझने की कोशिश करें, और मैं कितना भी फास्ट बताऊँ आप नोट करते जाए, अपने पॉइंट्स नोट करते जाए, समझते जाए। जैसे यहाँ पे ट्रांजिएंट यूज हुआ, यहाँ पे चार्ज की बात किया, वोल्टेज की बात किया, तो सब पॉइंट्स को नोट करें। लॉसी कैपेसिटर, प्रैक्टिकल कैपेसिटर, पैरेलल आरसी नेटवर्क, ये पॉइंट था। सिमिलरली सीरीज आरएल नेटवर्क, एक लॉसी इंडक्टर जिसको आप कॉइल बोलते हो, या सीरीज आरएल नेटवर्क, ये सब पॉइंट्स होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कब आएगा क्या पता। तो टेक्निकल जो चीज़ होती है उसमें अपने आप को आपको बहुत अच्छा कलेक्शन रखना है टेक्निकल। अब बहुत कलेक्शन के बाद कोई आपसे एग्जाम में 65 क्वेश्चन पूछने वाला है, अब अपन देखेंगे 65 में से कितने क्वेश्चन में अपना कंसेप्ट, जो हम हजारों कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें से कौन कौन से कंसेप्ट कनेक्ट होने वाले हैं। इसलिए तो एग्जाम होता है कि हजारों चीज़ों के बाद कोई रैंडमली कुछ चीज़ें पूछने वाला है, और रैंडम चीज़ों के साथ हम उस दिन 3 आवर्स के पेपर में हम आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे। इसलिए हमको तो पता नहीं, अगर काश पता होता कि 65 क्या क्वेश्चन आने वाले तब तो क्या होता, 7 दिन में हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते गजब टाइप से, लेकिन हमको तो पता नहीं क्या आने वाला है। इसलिए हमको बहुत बेहतरीन आना चाहिए, इसलिए हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना एफर्ट आप कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आप कलेक्ट कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो सको, जिस दिन जब जरूरत पड़ेगी तो आप स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। ऐसे ही आप इंजॉय करते रहिए, ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही आप बने रहिए, और टेक्निकली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेते रहिए गेट एकेडमी को। आप ऐसे ही आपके पास जो कनेक्टिविटी गेट एकेडमी के साथ उसको मेंटेन रखिए। हम लोग जो फॉर्मेट रखेंगे, हम लोग जो मिल के चीज़ें करेंगे, वैसा कोई कभी कर ही नहीं पाएगा। तो हम लोग का जो फैमिली वाला जो पार्ट है, जो हो सकता है कुछ लोगों को लगता है क्यों इतना स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग क्यों, आपको पता है, आपकी फीलिंग आप जानते हो, मेरी फीलिंग मैं जानता हूँ, और कुछ चीज़ें बिना बोले होती है, वो इंटरनल है, कुछ चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद का फीलिंग वाला पार्ट होता है। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि आप कैसे फील करते हो, तो ओवरऑल वो इंटरनल बॉन्डिंग है जो कि किसी को दिख नहीं सकती। ठीक है, तो बस ऐसे बने रहिए, ऐसे इंजॉय करते रहिए, और गुड टेक्निकल चीज़ों के साथ आप कैरी कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।